नमोस्तु तत्नंदनंद सहांद नमी सुहानी सहिता तरण समर्थ संसार निवार हम हरे पति हर भो है भवि जो शिव मन ज्ञानी कर देखो तो संतो साची को भगवान नमस्कार। शिवंदव जय स्वयं जय जय उत्पन्नाम हरिहन्ते शैवान्यम् सिद्धसिद्धम्भव जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नाम् जयं भुवं हियं श्रियं हरिहन्ते शैवान्यम् सिद्धसिद्धम्भव जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नाम् श्रियं हरिहन्ते शैवान्यम् सिद्धसिद्धम्भवम् जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नाम् जयं भुवं श्रियं हरिहन्ते शैवान्यम् सिद्धसिद्धम्भवम् जयं स्वयं जयं जयं बोलिए शरवत वाणी जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय शुद्ध जिंदेशा की जय हो जय सतगुरु कारण करने में दर चाहिए की जय हो जय हो। एक ही देखना चाहिए कहीं से भी सुन लो कुछ भी सुन लो बताया था योगम काल में सहानुभूति में सुर बताया था काल में हितकारी ही हूँ स्वयं ही हितकारी हूँ ओम काल में हूँ उपादान सकालिक हो सकता है कभी कहीं नहीं हियम काल में हूँ तो स्वयं चेतना रूपी परिणमित हो रहा हूँ अपने हित रूपी परिणमित हो रहा हूँ कभी अनेक रूप में परिणमित ही नहीं हूँ। ओंकार मई हूँ अर्थात अनादि अनंत से अपनी ही परिपूर्ण उत्पन्न जीवंत अविनाशी सत्ता में लीन हूँ शुद्ध सहानुभूति में नियमकार मई हूँ तो मेरा स्वभाव हमेशा मेरे चेतना रूप प्रभावित हो रहा है वो जड़ अजीब पदगत रूप प्रवाहित ही नहीं हो रहा वो स्वयं ज्ञान रूप प्रवाहित हो रहा स्वयं ज्ञायक रूप प्रवाहित हो रहा स्वयं ज्ञाता जिसका चैतन्य स्वभाव ज्ञाता जिसका चैतन्य स्वभाव स्वयं को देखने जानने वाला स्वयं को जानने देखने वाला स्वयं विकार चेतन रूप अग्रज धारा के रूप में बहता हुआ स्वयं अविकार चेतन रूप अग्रज धारा में बहता हुआ। सुनो तो भगवान अच्छे से सुनो कि अनादि अनंत शुद्ध तो हूं ही लेकिन अव्रल रूप से अपने शब्द चेतना में बह रहा हूं अव्रल रूप से अपने हितकारी चैतन्य स्वभाव रूप बह रहा हूं मैं कभी भी पुद्गल रूप मेरा प्रभाव नहीं हुआ
कभी भी आज तक मेरे अपने हित से बाहर परिणाम नहीं किया। कभी भी आज तक मैं चेतना, मैं चैतन्यमय हो सकता, मैं चैतन्यमय अखंड ज्ञान मन पिंड परमात्मा, मेरी चेतनता, मेरी प्रभुता मेरे निश्चेतन रूप ही परिणाम कर रही है। मेरे शब्द दर्शन शब्द ज्ञान रूप, मेरे केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप, जानाधार देखाधार सत्ता रूप स्वयं जायक रूप परिणमित हो रही है, स्वयं हित रूप परिणमित हो रही है। मेरी चेतना में कभी भी अनादि से आज तक कभी भी पुद्गल अजीव रूप परिणमन नहीं किया। नहीं किया मतलब नहीं किया, ऐसा मैं स्वयं के हितकारी स्वभाव रूप परिणमित हो रहा हूं। नियम का दैहिक प्रमाण ज्ञान ज्योति प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश क्या कि मैं तत्व मात्र हूं। यदि ऐसी दृष्टि तुम्हारे तत्व पे जमी है, उस हितकारी चेतना पे जमी हुई है, अपने मंगलकारी ज्ञान स्वभाव पे तुम्हारी दृष्टि जमी हुई है, तो भगवान जी मोक्ष मार्ग स्वयं वृद्धिगत हो रहा है, स्वयं वृद्धिगत हो रहा है, अपने आप बढ़ेगा, अपने आप मोक्ष मार्ग बढ़ेगा, अपने आप तुम्हारे कदम अपनी भिन्न सत्ता की ओर अपने आप बढ़ते जाएंगे। तुम्हारा ज्ञान अपने आप अपने ध्रुव स्वभाव की ओर स्वास्थ्य मुक्ता की ओर बढ़ता जाएगा। अपने आप कुछ नहीं करना तुम, कुछ विचार नहीं करना तुम, बस वो हितकारी स्वभाव ही मेन, बस वो हितकारी अपने हितरू वो चैतन्य स्वभाव ही मैं हूं, वो ध्रुव चेतनता ही मैं हूं, वो अविरल धारा जो निरंतर चेतनता रूप प्रभावित हो रही है, वो अविरल धारा जो निरंतर ज्ञान जायक स्वभाव परिणमित हो रही है, परिणमित। मेरे तो कहते थे कि मेरा ये परिणमन मेरा नहीं है। कौन सा परिणमन? ये पर्याय चल रही है, ये राग चल रहा है, ये द्वेष चल रहा है, ये जो एक एक समय का परिणमन चल रहा है, पहले तो कहना पड़ता था क्या ये परिणमन मेरा है ही नहीं, ये पर्याय मेरा परिणमन नहीं है। सही में सत्य है बात, सही में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नियमकार में स्वभाव न मेरा, मैं अपने हित से बाहर परिणमित ही नहीं हो सकता, अर्थात अधिभा परिणमित हो रहा है। मैं अभी इस समय अपने शुद्ध चैतन्य महाविलास में परिणमित हो रहा हूं, मैं शुद्ध आनंद महाविलास में परिणमित हो रहा हूं, मैं शुद्ध ज्ञान अमृत अपने चैतन्यमय महाविलास में परिणमित हो रहा हूं। ऐसा हितकारी स्वभाव ही मेरा, परिणमन से भी भगवान जी कहां दृष्टि उलझा के रखे हो, कहां तुम पदगल के स्खलन को देख रहे हो, कहां तुम अजीब मन वचन काय की कर्मोदय की परिणतियों को देख रहे हो, कहां तुम राग भाव विभाव इन भाव विभाव स्वभाव भाव विभाव भाव कहां तुम भाव दशा में देख रहे हो। मैं चेतनता अपने हितकारी नियमकार चेतन स्वभाव रूपी ज्ञान रूपी अतीन्द्रीय ज्ञान रूपी परिणमित हो रहा। मैं इन इंद्रियों के प्रभाव में उत्पन्न होने वाला नहीं हूं। जानो भगवान, जाने यथार्थ सत्य है। मैं चेतनता अपने हितकार नियम का स्वभाव रूप ही परिणमित हो रहा हूँ, मैं चेतनता अपने नियम का ध्रुव स्वभाव रूप ही परिणमित हो रहा हूँ, मैं चेतनता अपने नियम का तत्व रूप ही परिणमित हो रहा हूँ, मैं अनादि से आज तक रूप परिणमित नहीं हुआ, हितकारी स्वभाव से बाहर मेरा गमनागमन नहीं हुआ, हितकारी ध्रुव चेतना से बाहर मेरा गमनागमन नहीं हुआ, मेरा गमनागमन मेरी अनंत चतुष्टय में सत्ता में ही चल रहा है। इस पल, इस क्षण, इस काल, इस घड़ी
यही बैठा हुआ मैं अपने सिद्धत्व में, अपनी चैतन्यता में, निष्प्रभुता में चरण कर रहा हूँ। अभी अभी रुको 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 रुको, आप कह रहे हो कि इस घड़ी, इस समय, इस पल, इस क्षण मैं अपनी अनंत विकराल शुद्ध चेतना में गमन कर रहा हूँ, मेरा आचरण चल रहा, आचरण में चारित्र की बात कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान का आचरण, मेरे ज्ञान का आचरण इसी समय, मेरे ज्ञान रूप जो मैं चैतन्य में ही भारा है उस ज्ञान रूप ही चल रहा है। तो रुको फिर आप रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, यदि आपका ज्ञान का प्रणमन ज्ञान रूप चैतन्य धारा में चल रहा है तो अभी आप वर्तमान में ये बताओ कि ये भूल कौन रहा, क्योंकि जिसका प्रणमन ज्ञान की ज्ञान चेतना रूप चल रहा है वो तो शांत है, सुन्न है और मौन है, उसने यहाँ भूल कौन रहा है। भूलने का परिणाम अजीब तथ्यता है, तो बस इसकी तो भिन्नता नहीं कर पा रहा। बोलने का परिणमन, भाषा बोलने का परिणमन, जिसे तुम यहां सुन रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, जिसे तुम महसूस कर रहे हो, उसका परिणमन अजीब तथ्य का है, अजीब तथ्य का है, कर्म होने का परिणमन है, नया परिणमन नहीं। वंदे हो आपको जैसे तुम देख रहा हो गया, अंधे हो आंखों से, ज्ञान की आंखों से अंधे हो तुम, दृष्टि से अंधे हो तुम्हारी आंख के, तुम्हारे आंखों के सामने अंधकार छाया हुआ, छाया पर्याय परिणाम जो संस्कारों की मानता अंधा पद है, तुम्हारे अंधा पद क्या दिखा रहा है वो अजीब तत्व से, तुम्हारे घर में खुद की चेतना अजीब तत्व से नहीं है ना, तुम्हारी खुद की चेतना, तुम्हारी खुद की धारणा इस बुद्धर पर्याय का आश्रय से ना, तुम खुद मन वचन कार्य परिणत होता हो, अपने आप को देखते हो ना, इसलिए तुम मुझे भी मन वचन कार्य परिणत होता हुआ देख रहे हो। अजीब अजीब को अजीब अजीब तो जानता नहीं है, लेकिन अजीब का स्वीकार करने वाला अज्ञान अजीब को जानता है, और संसार में जितने भी अजीब है ना, और अजीब के परिणाम में देखता है, अजीब नहीं होना, पुद्गल नहीं होना। ज्ञान बताए जितने भी ये संसार जीव है, जितने भी संसार में चरण करने वाले जीव है, ये सारे जीव, सारे सारे समस्त जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं, चाहे सब संस्कार वाले हो, चाहे सब संस्कार वाले हो, चाहे कोई से संस्कार वाले हो, कोई से भी संस्कार वाले जीव हो, ये इन जीवों का मेपना, इन जीवों का सत्यपना इस अजीब कष्ट में बैठा हुआ, अजीब कुदरत में, तो क्या देखेंगे, स्वयं के पुद्गल को परिणाम देखेंगे, और आपका जितने पुद्गल परिणाम हो रहा है उतने पुद्गल को परिणाम देखेंगे, क्यों देखेंगे, आंखों से अंधे हैं, आंखों से अंधे हैं ना, उनकी आंखें अंधी है ना, आंखों से अंधा होने के कारण, आंखों से अंधा होने के कारण, ज्ञान के नेत्र न खुलने के कारण, ज्ञान में नेत्र, ज्ञान में नेत्र न खुलने के कारण, वो जीव स्वयं को भी अजीब रूप स्वीकार करेगा कि हाँ मैं अजीब हूं, कि शब्द में नहीं आएगा, उसकी धारणा में बैठा हुआ है, उसकी धारणा में मनोरंजन का परिणाम बैठा हुआ है, उसकी धारणा में पर्याय का परिणाम बैठा हुआ है, उसकी धारणा में पर्याय का परिणाम होने से, उसकी मानसा में पर्याय का परिणाम होने से, उसके अंतरंग से उसके संस्कार बदल आएंगे, और वो सामने वाले को भी अजीब रूप परिणाम होता बनेंगे, अजीब रूप जानेगा, अजीब रूप पहचानेगा, और वो जीव वो चैतन्यता को नहीं जान पा रहा, वो चैतन्यता को नहीं देख पा रहा। अब ये बात आ गई, उन्हें जीव रूप देखें कैसे, जीव रूप जाने कैसे, तो जीव रूप परिणमन तुम कहो कि तुम मेरा जान लो, नहीं जान सकते, पहले ये क्लियर कर लो कि तुम सोचो कि तुम मेरे उस दर्शन ज्ञान का परिणमन देख सको, तुम सिर्फ भावना कर सकते हो,
तुम यदि सहानुभव सोचो कि तुम मेरे दर्शन ज्ञान का परिणाम देख सको, मेरी विकराग का आचरण देख सको, मेरी अंतरंग की मेरी प्रभुता को निहार सको, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ श्रद्धा कर सकते हो, बस इनमें होगी। तुम अरे भगवान में आस्था कर सकते हो क्या? क्यों परिपूर्ण परिपूर्ण अनंत चतुष्टय के पेंट है ना, अनंत रसन अनंत ज्ञान अनंत अनंत भी उत्पन्न कर लिया है, तो तुम देख नहीं सकते हो। तुम आस्था पर कर सकते हो कि हाँ इनमें है, विश्वास कर सकते हो और उनमें है ऐसा विश्वास करके वो ही गुण उनमें है जब तुम्हारे स्वयं की ओर दृष्टि जाएगी। जब तुम स्वयं के अनंत रसन अनंत ज्ञान अनंत अनंत वीर को पहचान लोगे तो वो पता लगेगा ऐसे उनमें है, उनके लिए सजा सकते। इसे ही ऐसा कह रहा हो कि कैसे देखे हम ज्ञानमय दृष्टि से, कैसे देखे हम ज्ञानमय रूप से, कैसे देखे हम ज्ञानमय स्वभाव से, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली शर्त, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि पहले तू बता कि तू अपने आप को किस रूप महसूस कर रहा। वो अजीति ज्ञान धन पिंड वो निराकार ब्रह्म स्वरूप जो अनादि काल से अपने हित स्वभाव अपने हितकारी स्वभाव में परिणित हो रहा है, जो अनादि काल से अपने अहंकार में दृढ़ चेतना में लीन है, वो तू है या फिर ये शरीर ये अजीत तू है? कौन है तू? तू अपने आप को किस रूप महसूस कर रहा है? कि वो ज्ञायक परमात्मा वो अनादि दृढ़ चेतना जो अजन्मा है, जो जन्म मरण से बिल्कुल परे है, जो निर्विकल्प है, जो स्वयं स्वानुभूति में है, जो स्वयं चैतन्य में है, जो स्वयं अनंत ज्ञान धन पिंड परमात्मा है, जो धोम सकता है, जो शाश्वत नित्य तत्वरूप प्रकाशित हो रहा है, जो शुद्धार्थ स्वभाव जो चेतना से बाहर नहीं निकला, जो अनादि अनंत निरंकार स्वरूप है, जो अपने हित में ज्योति अर्थात अपने ज्ञान में ज्योति में परिणमित हो रहा है, वो तत्व तू है। उस रूप को अपनी संवेदनाओं पर लेना है, संवेदना अर्थात वो तेरी दृष्टि, वो तेरी दृष्टि, वो तेरी दृष्टि उस सत्य मार्ग पर टिकी है कि हाँ मैं ये अगोचर ध्रुव चेतना मात्र हूं। जिस दिन तेरी दृष्टि उस ध्रुव तत्व से उस ज्ञान में स्वभाव से एककार हो जाएगी कि हाँ वो ज्ञान में स्वरूप में हूं, हाँ वो ज्ञान में सत्ता में हूँ, हाँ वो ज्ञान में विकराग रूप ज्ञान धन पिंड परमात्मा में हूँ, हाँ वो ज्ञान में अभिकर सत्ता मार्ग में हूँ। जिस समय उस ध्रुव तत्व से तेरी दृष्टि एककार हो जाएगी कि हाँ वो ध्रुव सत्ता मार्ग मेरा स्वभाव है, हाँ वो ध्रुव सत्ता मार्ग मेरा स्वभाव है, हाँ वो ध्रुव सत्ता मार्ग मेरा स्वभाव है, जिस दिन उस विकराग तत्व से तेरी दृष्टि एककार हो जाएगी, उस दिन उस समय उस घड़ी उस क्षण तुझे तीनों लोकों में सिर्फ वो ज्ञान नहीं सत्ता के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा, तुझे अजीब का परिणाम देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा था ना, जहां दृष्टि होगी वहां की भाव वासना, ये बात चित्त में नहीं बैठ रही तुम्हारे, ये बात तुम्हारे चित्त में नहीं बैठ रही कि जहां की तुम्हारी दृष्टि होगी वहीं की तुम संवेदना प्राप्त करोगे। सुनो कितनी सरलता से बताया भगवान, दृष्टि यदि घर की होगी तो संवेदना यही बैठे बैठे घर की चलेंगी, कुछ नहीं करना, अपने आप ही घर की ओर से चले जाओगे। ढोल देख के नहीं भी चलोगे ना तो कपड़ा तरह अपने आप देखते हवा में देखते अपने आप घर में पहुंच जाएंगे। क्यों भगवान जी? वो दृष्टि में झूल रहा है ना, न विचार करना न विकल्प करना, जैसे हाथ पर ओढ़ने चले गए, किस चले गए? दृष्टि में बसा हुआ है ना, दृष्टि में किए है ना, दृष्टि में घर किए होने से घर जाने के लिए कोई बाधा नहीं है, घर की संवेदना करने के लिए कोई बाधा नहीं है, घर पुत्र परिवार की संवेदना करने के लिए कोई बाधा नहीं है, धन संपत्ति वैभव की संवेदना करने के लिए कोई बाधा नहीं है। भैया घर तो तुम्हारे पास है ही नहीं, लेकिन उनकी सारी संवेदना तुम्हारे पास क्यों है? सब तो ये बताओ, यहाँ चिंता में बैठे हो, घर तुम्हारे पास नहीं है ना, यहाँ चिंता में बैठो, घर तो नहीं तुम्हारे पास, घर ने घर की सारी संवेदना तुम्हारे पास क्यों है? तुम तो ये बताओ, घर तो समय नहीं, उसकी संवेदना क्यों? ज्ञान का अपनत्व कहो या ज्ञान की प्रगाढ़ प्रगाढ़ दृष्टि
पूर्ण रूप से वही एक में थे, बिल्कुल वही एक में थे। हाँ, वो अचेतन अजीत के परिणाम में वो जो रेत मिट्टी ईंट गाड़े थे उनका से निर्मित जो घर है उस घर से एकाकार करके बैठी दृष्टि, पर जब दृष्टि उस घर से एकाकार करके बैठी है तो पूरी संवेदनाएं उस घर की ही होंगी। तो कुछ भी कर लो उससे संवेदना नहीं रहेगी। अच्छा तुम कह दिया एक काम करो, आराम कर लो, आधा घंटा आराम करो। गए तुम कह रहे हो ठेकर में चटाई बिछा रहे, आराम करके बता। कहो गए भैया घर पे ही आराम तो घर नहीं हो सकता, ठेकर में बिछा दो मरे नहीं है। अपने आप साइकोलॉजी कराएगी, अपने आप ही कोई तुमने नहीं कहेगा। तुम कह रहे तुम्हें व्यवस्था धर्मशाला में किसी कमरे बना दे रहा, हम कहेगा आराम कर लो, चैन तो घर जाके मिलेगा, आराम तो नहीं होगा, शांति तो नहीं मिलेगी। भैया तुम सबसे अच्छी व्यवस्था करके दे रहा है ना भैया, नहीं है ना, वहां अपनत की भी साता ही नहीं है ना, वहां मेरेपन का आराम ही नहीं है ना, वहां मोहे का पोषण ही नहीं है ना। वो जहां तुम रोक रहा हो वहां वहां जिसकी एकाकार ही नहीं है ना, वहां जिसकी अपनत कर ही नहीं है ना, जिसकी में तो एक परिवार तो सही थे क्या आराम मां घर में ही होता। अच्छा कर लिया भगवान, भगवान कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान एक पुद्गल का इतना महत्व, एक पुद्गल की इतनी गहरी मानता, एक अजीब से इतना गहरा जुड़ाव, एक अजीब से एक पुद्गल से एक अकृति आकार वाले रूपी केसर श्रवंगुर नाशवान विनाशिक सड़न पुद्गल स्वभाव वाला अजीब, एक अजीब सड़न गलन क्षणंगों वस्तु से इतना गहन लगा क्या कि तुम्हारे उसका नाम पर ले लो उसकी संवेदना प्रकट हो जाती है। माता का नाम ले लो माता समर्थ की संवेदना प्रकट हो जाएगी, पिता का नाम ले लो पिता रूप संवेदना की पूरी भाव भरा चेक हो जाएगी, बहन नाम ले लो भाई रूप नाम ले लो उनकी संवेदना प्रकट हो जाएगी, पति पत्नी नाम ले लो उनकी संवेदना प्रकट हो जाएगी। नाम लेते जाओ तो संवेदना हो रही है। क्या होगा भगवान, न यह माता है न यह पिता है न पुत्र है न परिवार है न पति है न पत्नी है, नाम लेते जाओ अनुभूतियां होती जाएंगी। क्या है क्या हो रहा है भगवान जी, तुम्हारा कितना गहरा अपनत्व है, इतना घेरा अपनत्व है तुम्हारे ज्ञान में उन सब मिथ्या कल्पनाओं मिथ्या वस्तुओं मिथ्या पर्याय परिणमन रूप अजीब तत्व में इतना घेरा अपनत्व है, इतना घेरा अपनत्व है, इतना गहन अपनत्व है कि उस गहन अपनत्व के कारण ज्ञान की पूरी दृष्टि उन पुद्गल पर्याय पे ही उस पुद्गल पर्याय के परिणमन पे ही पूर्णता से फोकस करी हुई है। और जब दृष्टि मां पूर्णता से फोकस करी हुई है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें संवेदनाएं वहां की अपने आप प्रकट हो रही है। संवेदनाओं प्रकट करवाने के लिए कुछ क्रिया नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ नाम लेने से उसके एहसास प्रकट हो रहे। पहली महिमा अपनत्व की, जहां अपनत्व होता है गाढ़ वहां अपनी दृष्टि फंसी रहती है, वहां की संवेदना अपने आप प्रकट होती है, अपने आप प्रकट होती है। पहले तो जीव अपनत्व तोड़े, और यदि जिनने अपनत्व तोड़ा है अर्थात जिन्होंने अपनत्व हटाया है तो अजीब तत्व से अपनत्व हटाया है उनसे केवल दृष्टि मोड़ लो, देख नहीं मत इसको कुछ भी चलेगा इसकी संवेदना मुझे नहीं होती, कुछ भी घटेगा इसकी संवेदना मुझे नहीं होती, कुछ भी ऊंचा हो नीचा हो अच्छा हो बुरा हो न्याय हो अन्याय हो कुछ भी हो यहाँ इसकी संवेदना मुझे नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं अनादि निरंतर यम का स्वभाव अर्थात अपनी ध्रुव चैतन्यता रूप परिणमित हो रहा हूँ, हो रहा हूँ मतलब हो रहा हूँ। जब मैं अपनी हितकार स्वभाव अपनी आत्मसत्ता रूप परिणमित हो रहा हूँ तो फिर पुद्गल रूप परिणमित में नहीं हो सकता,
जब मधुरा रूप परिणत नहीं हो सकता तो इस अजीब में होने वाली कोई संवेदना मन में प्रकट नहीं होगी, तो नहीं होगी तो नहीं होगी। अब तुम बताओ भगवान जी, तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? मानते नहीं टूटी, अभी भी एक हफ्ते हैं टूटो, आप तो दृष्टि बदलने की बात कर रहे हैं। एक बार में सब लगता ना, दृष्टि बदल दो सब टूट जाए। तुमसे ये बता कि वो तत्व मात्र है नहीं है, वो नियम का नहीं झुक सकता है नहीं, वो अपने अनादि अनंत काल से अपने हेतु दूसरे के लिए नहीं भगवान, हाथ छुड़ो पांव पड़ो, पति सुधर जाए, पत्नी सुधर जाए, बच्चे सुधर जाए और समाज सुधर जाए, ऐसे लोग तो आने मत। भगवान जहां बात चल रही है कि मैं अपने हितकारी स्वभाव प्रकट हुआ, अपनी बात हो रही है कि मैं अपने हितकारी स्वभाव में प्रकट हो रहा हूँ, हितकारी मेरे स्वभाव में, मैं अनादि काल से अपने आत्महित रूप प्रकट हो रहा हूँ, अपनी ध्रुव चेतना रूप प्रकट हो रहा हूँ, अपने ज्ञायक स्वभाव रूप प्रकट हो रहा हूँ, मैं कभी भी अपनी हितकारी ध्रुव शास्त्र चेतना से बाहर प्रकट नहीं होता, मैं कभी भी, मैं चेतना कभी भी, मैं आत्मा कभी भी अपने आत्म शक्तियों से बाहर प्रणमित नहीं होता। जब मैं आत्मा अपनी आत्म शक्तियों से बाहर प्रणमित नहीं होता, जब मैं आत्मा अपनी आत्म शक्तियों से बाहर प्रणमित नहीं होता, तो फिर अवगुण रूप परिणमन को जाने कौन और अवगुण रूप परिणमन प्रकट कैसे है? क्योंकि अवगुण रूप परिणमन प्रकट होने के लिए चेतना को खुद करके आश्रित होना पड़ेगा, तो अवगुण रूप परिणमन प्रकट होगा। और यदि चेतना खुदगल अजीब तत्व का आश्रय छोड़ दे तो फिर अजीब तत्व रूप परिणाम प्रकट होने से मिथ्या दर्शन प्रकट होने से रहा, फिर मिथ्या ज्ञान प्रकट होने से रहा, फिर विषय वासना इंद्रिय विषय भोग प्रकट होने से रहे, ये कुछ भी उत्पन्न होने वाला नहीं। भैया ये कुछ भी उत्पन्न होने वाला नहीं, लेकिन संयोग में कभी उत्पन्न कल्याण चल रहा है। भगवान अज्ञानी मोह दृष्टि मिथ्या दृष्टि तुझे अभी भी बने आगे करेंगे, तुझे अभी भी अपना कर्म पारणा में जो स्वभाव नहीं दिखता। पूर्व का चल रहा है ना, तब सही साहब को बताया था कि आत्म प्रदेशों के साथ जो पुद्गल कंपन हो रहा है, तो पुद्गल में कंपन चल रहा है, फिर ध्रुव चेतना में कोई कंपन, अनादि अनंत सत्ता में कोई सा कंपन, शुद्ध आत्मचेतन प्रदेशों में कोई कंपन, उद्गल के कंपन को देख रहा है भगवान। भगवान तो उद्गल के कंपन को देख रहा है, उद्गल के अनंत चेतन को देख रहा है, उद्गल की अवस्थाओं को देख रहा है। भैया एक मिनट और, एक मिनट और विस्तार करो भैया। देखिए उद्गल का परिणाम मतलब अजीब का परिणाम, भैया ये भाव भी तो चल रहे हैं, इनका क्या कर हो गया, इनका भी कोई उपाय निकाल, कोई रोक सकता है? क्या भैया आपने ये कह दिया पुद्गल का स्थल चल रहा है, मान लिया मान लिया, और एक बार कह दिया चेतना चेतना भी पढ़ने को नहीं, मान ली मान ली, लेकिन भैया एक बात और बता दो, क्या पुद्गल के आश्रित जो राग भाव, देश भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, अपनत्व भाव, ममत्व भाव, पंच इंद्रिय भाव, वो ये सारे भाव भी तो चल रहा है, इनका क्या करें? पुद्गल को मान दिया हमने, हर जो स्कंद रुच रूप पुद्गल परमाणु पुद्गल संयोग ये नौ कर्म की अवस्थाएं जो बनी हुई थी, इनको भी मान लिया हमने अलग, इन दोनों को तो हमने मान लिया अलग अलग, और हमने यही मान लिया कि हम पुद्गल का आश्रय छोड़ेंगे तो ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी अंतराय ये जो द्रव कर्म है ये भी अलग,
इन्हें भी अलग कर दिया हमने, हटा वाला भाड़ में जाने पर प्रेरणा ने। लेकिन भैया ये भाव कर्म का क्या करें? कहो कहो भगवान जी, भैया हम धर्म कर्म को हटा दे रहा है कोई बात नहीं, नौ कर्म को हटा दे रहा है वो भी कोई बात नहीं, चेतना तो अलग है उसकी तो कोई बात ही नहीं, भैया भाव कर्म का क्या करें? चार तो तेरे डाल रहा है हमें, ये तो जीने नहीं दे रहा है, ये तो सातन ले ले रहा है इनके मारे को, उठक बैठक चेने नहीं है भगवान जी, ये तो ना अंदर ये तो ना सांस अंदर खींचल दे रहा है ना बाहर छोड़ दे रहा है, बीच में रहता है ना इधर के ना उधर के, इनका कुछ उपाय कर दो हम निश्चिंत हो जाए, इनका इनका कुछ उपाय कर दो भगवान जी हम निश्चिंत हो जाए, बता भगवान कौन कौन को जानना है, कौन कौन को जानना है कि इनका कुछ उपाय कर दो, इनके इनसे लपटवा दो, इनसे सुलझवा दो, इनसे बचा दो, बस बाकी तो सब बढ़िया चंगा है। पूछना नहीं पूछे तो कहा बता, भाव कर्म तो सब डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि जीवन से तो सुना है कि भाव आश्रय परवा, भाव से वन भाव से मुक्ति, परिणाम परिणाम कम बंधुंचा परिणाम कम मुक्ति, परिणाम ही कर्म का बंध का कारण है, परिणाम ही कर्म से मुक्त होने का कारण। ये सूत्र ये पढ़ा क्या करें भैया? ये सूत्र उन लोगों के लिए है जो ये सूत्र उन लोगों के लिए है जो अज्ञानी है, ये सूत्र उन लोगों के लिए है जिन्हें परिणाम को परिणाम रूप नहीं जाना, अर्थात अर्थात जिन्होंने औदाय अच्छे सुन लो आज दोबारा नहीं बताएंगे, जिन्होंने औदाय परिणाम जो औदाय भाव चल रहा है, छायोत्समिक जो छायोत्समिक भाव चल रहा है, जिन्होंने औदाय और छायोत्समिक भाव को सत्य माना है उनके लिए सिद्धांत कौन सा? परिणाम कम बदलम छा तो परिणाम कम मुक्ति छा, किसके लिए? जिन्होंने वर्तमान में जो उदय भाव चल रहा है ना, वर्तमान में जो छायोत्समिक भाव चल रहा है ना, जिन्होंने इन भाव में सत्यता कर रखी है, जिन्होंने भाव परिणाम में सत्यता कर रखी है उनके लिए सिद्धांत, उनके लिए संसार में परिणाम का कारण, उनके लिए है ये संसार चतुर्गति की यात्रा, भाव कर भाव कर आश्रय का भाव उनके लिए है, उनके लिए है मान्यता, उनके लिए धारणा। लेकिन भैया जिन्होंने भिक्षारी परम चेतन परम प्राणादिक भाव में पद कर रखा है उनके लिए भूलना है परम प्राणादिक ज्ञान भाव, मेरी हितकारी चेतना मेरे हितकारी ज्ञान को प्रेरणा करेंगे, तुम परंपरा में भाव में आके बैठ रहे हो या फिर तुम औदाय को छात्र भाव में आके बैठ रहे हो? चलिए बात कौन सा भाव में बैठता है? हमारी गाड़ी कौन सी है? थर्ड क्लास पैसेंजर है या फिर वो छुप छुप वाली वो एक्सप्रेस है या फिर सुपर फास्ट है और उससे भी ऊपर है राजधानी में बैठे हो परम प्राणालिक में, तो देखिए फिर किसकी बात कर रहे हैं? जो पैसेंजर वाले हैं ना उदय भाव वाले वो तो संसार में बनेंगे, जो सार्वजनिक भाव वाले हैं वो आराम से पहुंचेंगे 50-60 भाव पर, उनकी कोई चिंता वाली बात नहीं, और जो छह भाव वाले हैं वो 3 महीने पहुंच जाएंगे, तो एक्सप्रेस में बैठे हैं
लेकिन भैया जो राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं उनसे तो मिनटो घंटो की बात करो, क्षण क्षण मुक्ति कह रहा भगवान। ये तो बैठो बोला भगवान आत्मा, कौन से ट्रेन में चल रहा है? छुप छुप लगे धक्का, जो भी गाड़ी आई एक कोने में खड़ी हो गई, वो ये ऐसे भाव आ गए खड़े हो गए कोने में, मेरे नहीं थोड़े मारा था। अरे भगवान हमें तो भाई साधना पूरी, कौन सी गाड़ी है धक्का मिले ये तो बता। पैसेंजर हमारे यहाँ से जा रहा है अजय, थोड़े वर्ष से ऊपर गए हैं तो वो एक्सप्रेस वाले थोड़े तो जोर ऊपर गए तो छाए भाव पकड़ने लगा, छाए 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 दत्ता में राजधाने वाले हैं, हम तो यहाँ बैठेंगे और सीधे नौ रिश्ता यहाँ राजधानी से बैठेंगे, राजधानी में उतरेंगे, बीच के कोई स्टेशन से हमारा कमरा राजधानी एक्सप्रेस से बैठा हुआ राजधानी में उतरेगा, भोपाल से बैठे वाला सीधा दिल्ली में उतरेगा, उससे बोला बीच में क्या पड़ रहा नहीं सर, बीच में क्या आया नहीं बना से, ट्रेन रुकी क्या नहीं रुकी, ट्रेन को कोई ब्रेक लगा क्या नहीं लगा, ट्रेन को कोई झटके जैसे एहसास हुआ नहीं हुआ, ट्रेन जैसे रफ्तार दौड़ वैसी दौड़ रही थी बिल्कुल वैसी दौड़ रही थी, कुछ पता नहीं लगा कुछ पता नहीं लगा, दिल्ली कैसे आ गई ये राजधानी में बैठे थे चुप चुप में बड़े बड़े थे, हर 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 गांव में जब पैसेंजर क्या हर गांव में एक एक छोटे छोटे शहर में ब्रेक मारती है, एक्सप्रेस छोटे छोटे नहीं थोड़े बड़े बड़े जिला स्तर के ब्रेक मारती है, सुपरफास्ट जिला स्तर के राज्य स्तर के ब्रेक मारती है, और भैया राजधानी राजधानी टू राजधानी राजधानी तो रुकेगी तो राजधानी रुकेगी और फिर रुकने वाली अब तक हम तो राजधानी वाले यात्री हैं। अब तुम राजधानी वाले यात्री से तुम पूछो कि भाई पैसेंजर कहां था की उसने तो ना देखा ना उसने तो जाना ना उसने तो पहचाना, वो तो एक बार अपने चेयर का सीट पर जाकर बैठा तो सीधे दिल्ली में उतरा, उसे माने नहीं रस्ते में क्या था पड़ा, वो तो अपने सीट पर बैठा तो वो जब ट्रेन के बाहर निकला जैसे गाड़ी ब्रेक लगा तो वो अपने सीट गंतव्य पर जाकर उतरा, उसे कहीं रस्ते में उतरने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई, क्यों परंपरा में भारत में उसी सदन ट्रेन में बैठा था जैसी चेयरकार में बैठा था, न ठंडी की रस गर्मी की रसते रसते की जहाँ कहीं अखंड चैतन्य का लाभ ग्रास कर रहे परम अभी की अभिन सकता है बैठा था, तो भैया कहाँ जाकर रुका, वो अपने परम ममता में अपने धर्म में जाकर रुका, उसे कहीं रुकने की जरूरत नहीं हुई, अब उस राजधानी की चर्चा करना है यहाँ, और यदि कोई पैसेंजर वाला आके पूछ ले कि भैया बड़गांव या खरे कहाँ पड़ेगा तो हम कैसे बता पाए, नहीं नहीं ना साफ ही नहीं है ना, चक्कर आप बोल भाव कर्म क्या करें, भाव कर्म वही है क्या छिक सूक्ष्म वाली ट्रेन बार बार दुखेगी, क्योंकि बार 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 कर्मों का जितना अवसर हो अवसर होगा उतने छह समय भाव आएंगे, और जितने छह समय भाव आएंगे उतना तो मिलेगा कि मुक्त फिर कर्मों को दिया जाएगा, फिर तो मिलेगा तुम्हें संसार है, तुम कभी जहां फिर कभी जहां फिर जहां फिर जहां फिर जहां फिर जहां तुम जहां के वहां जहां के वहां होते रहो, और छाए समय का तुम पर प्रभाव नहीं है कि तुम छाए सुपरफास्ट में बैठ जाओ कि रुके तो सकते हैं लेकिन कोई प्रभाव ना पड़े, क्षय समय वाले में तो प्रभाव रखता है लेकिन छाए वाली तो रुकती ही है, बड़े बड़े स्टेशनों पर रुकती है लेकिन जीव खाता पीता है बहुत मस्ती उड़ाता है बाहर बैठ जाता है उसे तो फटने पड़ता, लेकिन छह सौ वाली है ना वो कहां बार रुकती है, वो बार बार रुकती है, जितने बार रुकती है जीव फिर ऊंचा फिर नीचा फिर अच्छा फिर बुरा,
तथा क्या हो रहा है, तो ये भाव स्थिति में मैं पना गया, इसलिए रो रहा है, आंसू बह रहा है, जोर का ढेर लगा रहा है, तुम्हारा काम ही चलने आ रहा, तुमने सब खराब नहीं देखना था। गुरुनाथ तो गुगन वियम वो तो क्या है, नियमकार ज्ञान उत्पन्न, जो नियमकार में सुधार है, जो अपनी परंपरा में क्षेत्र में पैदा हो रहा है, जब तक परंपरा तुम्हारा को पैदा हो रहा है, जब तक ज्ञान तुम्हारा को पैदा हो रहा है, जो अपने ध्रुव भीगा क्षेत्र तुम्हारा को पैदा हो रहा है, जब वो ही कभी सकता नहीं, तो संसार संसार के भाव को प्रणित हो रहा है, उसे न मैं जानता न मैं उसे पहचानता न मैं उसे देखता। ये भाव करता है क्या, अपने भाव में आके बैठा, ये इलाज है, बाकी सारे भाव मेरा स्वभाव नहीं है, कुछ भी चले देखा होगा तो उसे देखा काहे से भाव करने से, भैया वो राग के भाव में बेपरवाह हो जाएंगे, हम राग में तलने होके राग में लीन नहीं हो जाएंगे। हे भगवान, तेरी परंपरा में ज्ञान भाव से दृष्टि खिसक गई क्या, राग में आके जम गई, की तू राग में लीन हो जाए, तो ये बता बस। इसका मतलब ये है कि तेरी दृष्टि परंपरा में भाव परंपरा में ज्ञान चेतन स्वभाव में थी नहीं, राग भाव में लीन हो रहा है, जिसकी परंपरा में भाव में होती तो फिर ये कहता कौन की राग भाव में लीन हो जाएंगे, फिर तो दोस्त दोस्त जाने गुण तो गुण पहचाने, जहाँ परंपरा में गुण स्वभाव दिख रहा है वहां दोस्त दोष रूप दिखेंगे, अपने आएंगे और जाएंगे, अपने आप अंदर व्यक्ति की भावना उत्पन्न होगी, अपने आप अंदर व्यक्ति का भाव आएगा, अपने आप मुझसे फिर अपने आप जानते में आएंगे, ना हम अपने निर्णय है और निर्णय भी होगा तो स्वतंत्र निर्णय है, अपने आप ही वहां से सब छूट जाएगा, अपने आप ही सामने सब मिला जाएगा, रह जाएगा तो ये तत्व स्वभाव परंपरा मेरा भाव पूर्ण भाव नियम कारण मैं अपने हितकारी भाव के अलावा कहीं प्रणमित होता हूं, मैं शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतना अपनी शुद्ध चेतना से बाहर प्रणमित का पक्का नहीं होता, नक्की पद्म नक्की गुरु महाराज बता रहे हैं, मैंने कहा था ना छत मस्त वाणी, जो अल्पक जीव अभी अपने आप को पूर्ण सत्य नहीं देख पा रहा उनके लिए ये वाणी, जो छत मस्त जीव इसी समय अपने हितकार चेतन में स्वभाव को हितकार चेतन में स्वभाव नहीं देख पा रहे, केवल ज्ञान जो के स्वभाव नहीं देख पा रहे उनके लिए ये वाणी, जो देख रहे हैं उनके लिए कोई उद्देश्य नहीं है, और जो कभी देख नहीं पाएंगे उनके लिए कोई उद्देश्य, जो भक्त है उनके लिए उद्देश्य है कि भैया तू निरंकार में चैतन्य स्वरूप है, इसका ही तेरा ज्ञान सका है, मानते हो जानते हो पहचानते हो शक्ति को, शुद्धात्मा को जानते हो, शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव मेरा, शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव मेरी, शुद्ध चैतन्यमय सत्ता वम यम शिव का अर्थ कर बताए जो वम यम शिव का से भी संयुक्त है, परिपूर्ण सत्ता है, यदि ठोस सत्ता को जानते हैं, ठोस 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 का अर्थ क्या होता है, तो बता ठोस का अर्थ क्या होता है, साधारण शब्द क्या होता है, साधारण शब्द ठोस का अर्थ क्या होता है, मजबूत प्रकाश जो टिप रहना, उसका क्या होता है जो त्रिपिला ना हो, जिसमें त्रिपिलाहट ना हो, जिसमें बिल्कुलहट ना हो, जो बिल्कुल मजबूत हो, बिल्कुल घनपेट हो, घनपेट जिसे ढेला ना जा सके, जिसे जिसको जिसको छिन्न भी नहीं किया जा सके, जिसको आसानी से
बोले गया था दबाया नहीं जा सके, आसानी से परिणत नहीं किया जा सके, आसानी से इसका रूप न बदला जा सके। घंटे ठोस, ठोस की बात करें ठोस, वो ठोस द्रव्य, वो अभेद जो सत्ता, वो परंपरा में घर तथा वो नहीं सकता है, ऐसा ठोस विश्वास है। ठोस जिसे कोई भारत भारत ऊंची नीची न कर सके, जिसे कोई काम भारत प्रभावित नहीं कर सके, जिसे कोई मन की स्थिति प्रभावित न कर सके, जो बिल्कुल ठोस है, ठोस है, पूर्ण ठोस है, पूर्ण अभिनाश स्वरूप भगवान आत्मा है, पूर्ण नवोदय स्वरूप भगवान आत्मा है, जो स्वयं में संपूर्ण चर्चा बनी भगवान ठोस तत्व में जानते हैं किसको, स्वयं को, कि मैं वो ज्ञाता निष्ठा नियम कारण स्वभाव वाला चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हो। मेरी पर्याय प्रेरणा तुम बताओ कैसे जाने चलोगे, एक्सप्रेस में चलोगे, सुपर फास्ट में चलोगे, राजधानी में चलोगे, अपने दृष्टि अपने परंपरा स्टेटस के ना स्टेटस का मतलब तो जानते हो ना, सरल शब्द है आजकल तो बुढ़े बुढ़े बोलते हैं, स्टेटस का मतलब तो पता है ना, काय का मानते हो, कैसे मानते हो, अपनी कॉलर से, अपनी कॉलर से काय करके करते हो ढंग से, रुपये से, परिवार से, या फिर खूब धर्म कर रहे हैं, खूब क्रिया कर रहे हैं, इससे स्वभाव से, खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, समय के संस्कार से, या भैया आत्म अनुभूति हो गई, श्रद्धा वो छप समय भाव परिणाम चलता रहता, कैसा परिणाम है, कभी तर्क कभी तर्क, कभी कर्म कभी कर्म, ऊंची नीची जाते चलते रहे, काय का अनुभूति कर ढूंढ रहे, छह हुआ कहीं नहीं, छह समय का समय पर मान लेते कि भैया निपट जाए, छह समय का समय तो ऐसे ही पता ही निपट जाए, अब तो चक्रवर्ती भी बनेंगे तो मोक्ष जाएंगे, न्याय में जाएंगे तो भी मोक्ष जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो भी मोक्ष जाएंगे, तुम बिगाड़ नहीं सकते कुछ, छह भाव के कारण तुझे पर नहीं होते, छह समय भाव कर सकते हो, यदि समय दृष्टि हो तो, और यदि मिथ्या दृष्टि हो तो बोधाय शुभ भाव भी करो, स्टेटस बना रहा काय का अपना अभिमान कर रहा है, क्या काय का सम्मान कर रहा है, वो परम भाव वर्षी वो गुरुमन नहीं बोला कि कौन वर्ती जी है, भैया तुम्हारे परंपरा में भाव को देखना, परम भाव के देखना, अपनी पूर्ण कमल कमल स्वभाव जाय सत्ता को नहीं रखता, तुम्हारा जो नियमकार में जो चैतन्य स्वभाव है वो तुम्हारी अविनाश सत्ता है, तो जो परिणमित होने वाला पर्याय परिणाम है कि तुम्हारा भाव ही नहीं है भगवान, तुम छाये से भी पर जाकर बैठो अभेद तक, मेरा मंगल मंगल जो स्वभाव छाये भाव ही इसके आश्रय से पकड़ करता, स्टेटस मेंटेन करो ना, कौन सा ये वाला वन नियम शिवम कारण, इसके जैसा स्टेटस मेरा अरविंद सर्वज्ञ, अरविंद सर्व भगवान के समान मेरा स्टेटस है, सिद्ध सिद्ध के समान कष्ट के अंतर है उनके समान मेरा स्टेटस है, भगवान शाश्वत हो जो अनादि अनंत अविनाशी है, जवन स्वयं जो स्वयं का जीवंत है, जो स्वयं की सहानुभूति में परिपूर्ण उत्पन्न स्वयं स्वयं अनुभूति में है, मेरा स्टेटस मेरी सिद्ध भी भाग सकता से यहां से मेंटेन सुधार
गुरु महाराज लाना मेंटेन है कहां पे अरिहंत सर्व गुरुवार से सीधा सिद्ध भगवान से मेंटेन है तुम्हारा सिद्ध भगवान से जैसे सिद्ध भगवान अष्ट काल में है धन भगवान आत्मा वैसे ये उस समय भी अष्ट काल में है धन ग्रहण करना लेकिन उनका स्टेटस थोड़ा और हाई सिग्नल से मिल रहा है क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों की एकता से मिला रहा है कोई बात नहीं हम दृष्टि से मिला रहे हैं लगा लो तो फाइव जी नहीं चला रहे हैं हम फोर जी चला रहे हैं कोई बात नहीं है सिद्ध सदन भी हुआ रहते हैं पता भगवान जी वो बीत रहा परमात्मा अपने नैनों में झूल रहा जहां का जिसका जो स्वभाव अपने नैनों में झूल रहा है वो अविनाशी ध्रुव सत्ता अपने नैनों में झूल रही है यहाँ वो ध्रुव बीत रहा स्वभाव मेरा स्वभाव वो बीत रहा ध्रुव सत्ता नहीं सकता है वो अहंकार में अहंकार में श्रंकार में अविद्रुप शक्ति शक्ति स्वरूप परमात्मा वो बीत रहा ध्रुव भगवान आत्मा वही मेरा स्वभाव है अपने दृष्टि अपने से हितकारी स्वभाव को झांक रही है कि हाँ वो निरंकार नहीं मेरा तत्व है वो निरंकार नहीं मेरी सत्ता है वो निरंकार नहीं मेरी शाश्वत सत्ता है मैं सब हितकारी चैतन्य स्वभाव वाला भगवान आत्मा हूँ स्वभाव से ही सिद्ध हूँ स्वभाव से ही सिद्ध हूँ स्वभाव से ही सिद्ध हूँ मेरे सिद्ध स्वभाव में मेरी ध्रुव सत्ता में मेरी ध्रुवता के अलावा अरिहंत सर्व परमात्मा के समान वीतराग पद के अलावा और कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है क्यों नहीं है अहंकार क्योंकि मैं चेतना अपने हित से बाहर पड़ने में नहीं होता नहीं होता नहीं होता भैया हाँ ऐसी श्रद्धा कर रहा है मैं ऐसी श्रद्धा नहीं कर रहा मैं ऐसा ही हूँ ये मेरी दृष्टि का विषय है ऐसी मानता कर रहा है इतना मानता तो मेरे आज तक की नहीं है मैं ऐसा ही फलादी से हूं किसके बल पर देख रहा हूं भगवान आत्मा को देखने के लिए मेरे आत्मा में आत्मा का ही बल है मुझे 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 देखने के लिए मुझे किसी पर्याय की आवश्यकता नहीं है ऐसे का श्रद्धा या सम्य दर्शन के पर्याय की ही उत्तर नहीं है मुझे कोई खराब नहीं होता है क्यों नहीं है क्योंकि आत्मा की दृष्टि ही आत्मा में निवास करती है ये परम सत्य है इस सत्य को कोई ध्रुवीर नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता मेरी श्रद्धा की साधता होगी फिर ज्ञान की होगी फिर चालक की होगी तुम भेद में मर जाओगे तुम भेद में डूब जाओगे तुम भेद में रह जाओगे तुम भेद ही भेद तुम भेद ही भेद विचर कर रहा हो भेद 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 तुम भेद ही भेद में रह रहा है तो यहाँ बात चल रही है मेरा मन में ममन ध्रुव स्वभाव सर्वेद पर्याय से है मतलब है अब श्रद्धा है ज्ञान स्मरित है ये विकल्प मुझ में नहीं प्रकटता सब होगी लेकिन पर्याय पर कोई दृष्टिकोण नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा क्योंकि दृष्टि ने एक बार स्वीकार कर दिया किसके दम पे अपनी स्वयं की दम पे काय की दम कि मैं चैतन्य में ध्रुव परमात्मा होगा स्वयं की स्वाधीनता स्वयं की स्वतंत्रता स्वयं का भोग स्वयं ऐसी दृष्टि को उत्पन्न कर देता स्वयं ने ऐसी दृष्टि को उत्पन्न कर देता भैया इस समय से दृष्टि ने श्रद्धा पाई तुम कहते रह चुके मैं तो स्वभाव मात्र हूँ मैं तो स्वभाव मात्र हूँ बस मेरे स्वभाव मात्र बस ऐसा दिख रहा है भैया यदि नहीं दिख रहा होता कौन चेहरा देखता ये जो देखता है कह नहीं पाता ये जो चेहरा है ना वो देख के कह रहा है चिंता मत कर तुम तुम्हें प्रमाण चाहिए ना तो तुम प्रमाण पर्याय जब घटेगी जब देख लेना मैं तो
अभी ध्रुव शाश्वत चेतना है, ध्रुव शाश्वत सध्रुव शाश्वत चेतना है, बस ध्रुव परम कारणम चैतन्य स्वभाव मात्र, बस ध्रुव परम कारणम चैतन्य स्वभाव मात्र, बस अभेद अविनाशी ध्रुव तिंको स्थिर चैतन्य सत्ता 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 स्वभाव 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 इतनी बात प्रीति सारे भय को छोड़ के सारे शंकाओं को छोड़ के सारे बुद्धि के विलास को छोड़ के सारे संसार के उपद्रव को छोड़ के हर समय दर्शन ध्यान की परवाह को छोड़ के एकमात्र परमात्मा से प्रेम करते हैं नहीं करते हरे मोक्ष मार्ग का स्वार्थ भी छोड़ के तुम्हें मोक्ष जाना है कचरे में रहे मोक्ष और कचरे में रहे मोक्ष ही पर्याय होए तो होए नहीं होता कोई बात हम तो अपने स्वभाव को चाहते हैं बस क्यों चाहते हो तुम दूसरे थोड़ा चाहते हो चाहते हो भगवान जी तुम स्वार्थ समय तुम्हारी नजरों में स्वार्थ बना रहे हो इसलिए स्वार्थ स्वार्थ दिखाई दे रहा है तुमने जीवन में पर्याय को चाहे तुमने दर्शन ध्यान चाहे तो तुमने जीवन में मोक्ष को चाहे तुमने जीवन भर इंद्री पर्याय प्रणाली के सुख को चाहे इसलिए तुम्हारी नजरों में स्वार्थ है तो तुम्हें स्वार्थ की स्वार्थ दिखाई दे रहा है तुम्हें दिखाई दे रहा है लेकिन भैया मैं अपने भगवान आत्मा को मोक्ष की कामना से ही नहीं चाहता नहीं चाहता नहीं चाहता मुझे उसको चाहने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है क्यों क्योंकि जो मेरा अपना है कोई अपने को चाहने के लिए किसी पराई मोक्ष जैसी वस्तुओं का अवलंबन नहीं लेता जो पराई समय दर्शन ज्ञान साहित्य की पर्याय का अवलंबन नहीं लेता कोई अपने को चाहने के लिए दशाओं का अवलंबन नहीं लेता और जो दशाओं का अवलंबन लेकर अपने को चाहते हैं वो शरारती अपने को प्राप्त करने में बहुत समय लगा देता जान ही नहीं पाते अभेद ध्रुव कर क्यों क्योंकि लाल ललचाई में लोग प्रवृत्ति इन दशाओं को अपना मानती है स्वार्थ से जाते हो लाख खा के वापस आते हो भगवान आत्मा लाख नहीं मारता तो पर्याय लाख मारती है कि हम अभी तक समय की योग्यता करेंगे तुम सर पटकते हो अपने स्वार्थ होकर चले जाओ बिल्कुल खाली हो गए कि वो भगवान आत्मा मांगा है वो तुझे क्या चाहिए तुम तुझसे क्या मांगे भगवान तू तो अपना ही है जहाँ चाह भगवान मूर्ति जहाँ चाह भगवान आनंद जहाँ चाह भगवान प्रसन्नता और जहाँ चाह भगवान मुक्ति भाड़ में रही दशा भाड़ में पर्याय और भाड़ में मोक्ष सब चूहे हे भगवान कैसी चर्चा कर रहे हो ये गुरु महाराज कह रहे हैं क्या करूं वो कह रहे हैं मेरा सिंह वो क्या है ये बेटा अरिहंत ये बेटा सर्वज्ञ प्रभु ये बेटा चंद्र निर्धारण बेटा जो अत्यंत भगवान कहाँ बेटा है वो तेरा सिद्धम प्रकाश को ये बेटा शांत हो सकता है अब क्या बात होगा उसका अच्छा होगा खसर नहीं बैठा भगवान है अब उसे कहोगे कि हे भगवान मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति फिर तो भीख मंगाई का नाम हो गया भगवान तो भिखारी होकर सीधे भगवान सामने बैठे हुए थे तो मैं भगवान से मांगा कि भैया ये जरा समझे ना छीनो रत्नों के स्वामी बैठे हुए बस तो तुम एक रत्न मांग रहे हो समझ लाइन नहीं कर रहे हो भगवान बिछ जाओ समर्पित हो जाओ कि भाई भगवान तुम्हें चरण कर रहे तेरा मामला कुछ नहीं है तुम्हारा रत्न तेरे को मैं जीवन में आ जाएगा भगवान तो ठीक है क्या कर रहे हो लेकिन परमात्मा सामने बैठे हैं एवं प्रीति से बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से एक अपने अल्पन की समर्पणता से कहते तो स्वामी सर्वत्र आपका है आपके द्वारा जग में कुछ है ही नहीं सब दूरा का डर है चैतन्य का ही सर्वत्र है बस तेरे ही महिमा चारों तरफ है तेरे सिद्धत्व का बोध चारों तरफ है तेरे सुख का अहलाद चारों तरफ है तेरी ही चैतन्यता चारों ओर फैली हुई है
तेरी सिद्ध सत्ता स्वयं व्याप्त है, तेरे अलावा सबने और कुछ है ही नहीं। एक बार सच्चे हृदय से आत्मा समझा, फिर देखो कैसे है, फिर बिना बिना मांगे मुक्ति मिले। यही मां सच्ची श्रद्धा समर्पित हो जाओ, फिर बिना मांगे मुक्ति मिले। तुम नहीं मांगोगे तो फिर अपने घर प्रकट हो जाए, तुम नहीं चाहोगे तो भी परमानंद का विलास प्रारंभ हो जाएगा, तुम नहीं मांगोगे तो फिर अनंत शांति अनंत सुख अनंत संपत्ति तुम्हें प्रखंड में लगाई भगवान, तुम नहीं चाहोगे तो मोक्ष चलाकर तुम जाओ। एक बार राजा जी एक साथ बैठ जा, तुम चिल्ला चलाओ या सीख कराओ, दिल्ली के पेड़ रुकने वाली ध्यान रख लो भैया की, तुम्हें स्वस्थ मस्त प्रसन्न चित्त होके एक बार राजधानी एक्सप्रेस में बैठ जाए तो फिर वो कहीं रुकने वाली, तुम चाहो भी वहां बैठे बैठे कि थोड़ी देर रुक जाए, स्टॉप नहीं ले सकती ना, स्टॉप नहीं ले सकती ना, तभी तो राजधानी एक्सप्रेस। यदि जब स्टॉप ले लेती तो वो इच्छा नहीं हो जाती। भगवान भगवान जी हे अविनाशी चैतन्य भगवान आत्मा, हे ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा, हे परम विक्रांत विपुल भगवान आत्मा, क्या तुम्हें अपने हितकारी उसी ध्रुव चेतन का बोध है कि हाँ ऐसा परम पारणामिक भाव स्वभाव मेरा स्वभाव है, हाँ ऐसा रत्ना कर, हाँ ऐसा रत्ना कर, ऐसा रत्ना करने का पुंज मेरा भगवान आत्मा है, इस भगवान आत्मा से कहा तुमने दर्शन ज्ञान शायद की भीख मांगू, ये भगवान आत्मा तो स्वयं चतुष्टय का पुंज परमात्मा है, इसलिए इसका संपूर्ण व्यवहार है और जो व्यवहार इसका है वही तो मेरा व्यवहार भगवान, जो अखंड अभेद परिपूर्ण मन में मन स्वभावी में भगवान आत्मा में तो ये पर्याय प्रणमन ये मेरा स्वभाव। हे निस्वार्थ भावना इससे अपने गीत कार्य प्रभु सिद्ध स्वरूप हमारा सिद्ध स्वरूप भगवान निस्वार्थ और निश्चल भाव, छल कपट वाली नहीं, मायाचारी वाली नहीं, अज्ञान का अनुभव वाली नहीं, निस्वार्थ और निश्चल भगवान तुम्हें ये सर्वत्र सर्वव्यापी, तेरा अलावा कुछ है ही नहीं, और जो तेरा अलावा कुछ नहीं है फिर क्या मांगना, क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, कुछ भी तो नहीं रह गया। चारों तरफ ध्रुव ही ध्रुव है, तत्व ही तत्व है, चेतना ही चेतना है, तो अब चेतना में तुम क्या ग्रहण करोगे और क्या छोड़ोगे, चारों तरफ चेतना ही चेतना है, चेतनता ही चेतनता है, ध्रुव तत्व स्वभाव का प्रकाश मात्र जब चारों तरफ है तो उस प्रकाश से क्या ग्रहण करोगे और क्या छोड़ोगे, मुझे बता। लाइट जल रही है, ये चारों तरफ उजाला हो रहा है, अब इस उजाले में क्या छोड़ेगा क्या ग्रहण करोगे, ये रोशनी क्या छोड़ेगी क्या ग्रहण करेगी, ये रोशनी यहाँ कितने लोग बैठे तेरे घर कर लेगी, बता। ये लाइट जल रही है ना, सफेद जो प्रकाश हो रहा है ना, यहाँ कितने सारे जीव बैठे अजीब है, कितने सारे अजीब हैं यार, कितने सारे अजीब हैं, कितने रंग है, कितने कलर है, कितने व्यक्ति है, अब ये प्रकार कितने को ग्रहण करें, एक को ही है, अब जब एक में भी ग्रहण नहीं करेगा तो फिर छोड़ेगा कितनों को, सही सही बता ना, सब सच बोलना। इस प्रकार जो अभी तुम्हें दिख रहा है सामने उदाहरण है, सामने दिख रहा है, अब ये प्रकाश कितने लोगों को ग्रहण कर रहा है, एक को भी नहीं, और जब एक को भी ग्रहण नहीं कर रहा तो छोड़ेगा कितने को, नहीं
उनके पास बने हो भगवान, जिन चेतना भी प्रकाश है, चेतनता भी प्रकाश है और अपनी चेतनता में भी प्रकाशित हो रहा है। जब ये चेतनता प्रकाश है, अपनी चेतनता में प्रकाशित हो रहा है, तो पता कि प्रकाश कितनों को ग्रहण करेगा, हर पर्याय को, पर पर्याय को। और जब कितने, जब किसी को ग्रहण नहीं करेगा, जब किसी को ग्रहण नहीं करेगा तो छोड़ेगा किस किस को? चेतनता में तो चारों तरफ चेतनता के नाना, इस प्रकाश में चारों तरफ प्रकाश से लाना, अंधकार भी नहीं है। तो दूसरी चीज से तो बात चल, इसी तरीके से, इसी तरह इस ज्ञान में अज्ञान भी नहीं है। तो फिर तर्क ग्रहण करने की बात तो बहुत, अब तो मान लो भगवान, अब तो पहचान लो क्या अनादि से जिस सत्ता को भूलेंगे, अनादि से जिस अस्तित्व का विस्मरण करके बैठे हो, अस्तित्व देव अस्तित्व, अनादि से जिस ऊर्जा को भूले हुए हो, जिस शक्ति को भूले हुए हो, जिस अस्तित्व, जिस चेतना का तो विस्मरण करके बैठे हो, अब तो जान लो कि वह अनंत प्रभुता मेरा भी प्राप्त करूंगा भगवान आत्मा, मैं जब तक भगवान आत्मा हूँ, मैं हूँ भाग्य भूत चेतना, ज्ञान चैतन्य सखा परिपूर्ण धन अकी हुई तिलकृष्ट हो सकता, मेरी सत्ता में मेरे प्रभाव, मेरी चेतना के प्रभाव, मेरी चेतना, मेरी गायक के प्रभाव, मेरी गायक की धारा के अलावा मुझमें कोई सी धारा, कोई न कर्म धारा, न कोई ज्ञान धारा, न कोई तत्व धारा, न कोई अतत्व धारा, मेरे अंदर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। मेरे अंदर में जो कोई धारा प्रवाहित होती है तो शुद्ध चैतन्य का, और जो बिल्कुल निर्वाध रूप से निरंतर अनादि अनंत काल में रह रही है, चैतन्यमय 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 चैतन्य के नाना वो कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो है यहाँ उन्होंने यम श्याम का, चेतना के अलावा कुछ भी नहीं। इतनी गाढ़, इतनी प्रगाढ़ जहां वो ध्वज मात्र की सत्ता की मात भजन ला रही होगी, कि हाँ वो अभेद तिरको क्यों सत्ता नहीं हो, मैं घन घाटिया कर क्षण रुमा ने कहा टंकार नाम कथम, एक बार उद्धव सभा के टंकार के लगा धर्म का नाम तुम्हें जो है तीनों प्रकार के कर्म ऐसे ढल जाएंगे जैसे कि कभी थे ही नहीं। सीधी सीधी बात है, खुद आगम भी ऐसी बात कर लेंगे, पर्याय से अभी अनंत दुष्टे अनंत परमात्मा के स्वभाव से सुख सत्ता चैतन्य मेरे पास में प्राण है, मेरा स्वभाव अभी मेरी सत्ता अनंत दुष्ट में, अभी मेरी चैतन्यता अनंत दुष्ट में, अनादि से मेरे पास अभी उनका अंत नहीं हुआ। अनंत दुष्ट है क्या? जो मेरा ज्ञान है वो अनंत ज्ञान अनंत दुष्ट है, जो मेरा दर्शन है वो दर्शन अनंत दर्शन अनंत दुष्ट है, जो मेरी सुख सत्ता है जो कभी दुख रूप नहीं होती, शासन सुख रूपी, शासन सुख के लिए लड़ाई में आता, वो मेरी सुख में सत्ता मेरा अनंत सुख है, और जो मेरा परम आनंद का अभ्यास कर रहा है वो अनंत भी है, अर्थात अपने ध्रुवता की ओर का पुरुषार्थ, अपने ध्रुवता की ओर का प्रेरणा, और कुछ बड़े अनंत दुष्ट जो मैं हूं वही कम। मैं ये कह रहा था टंकार भयानु सत्यम ये गाथा मालूम है, पूरे आगम में से दो मार के ग्रंथ में है, बस क्यों है ये बता, सिर्फ उन्हीं के ग्रंथ में क्यों है और कहीं क्यों है? टंकार ध्यान सुधाम धल्यान तिवीनी कर्म जो है क्यों मार्च कर दिया रहा था? एक बार ध्यान की टंकार से तीनों प्रकार के कर्म
घृणा तुम्हें जाए तीनों प्रकार के जब अपने घर पर मिल जाएंगे। ठीक है, चमत्कार है, जिनके साथ अद्भुत चमत्कार है, जिनके से अभूतपूर्व दशा है, जिनके साथ अभूतपूर्व ज्ञान का व्यवहार है कि ये कंकाल तीनों प्रकार के कर्मों को ढल जाएंगे, तीनों प्रकार के कर्मों को ढला ढल जाएंगे, तीनों प्रकार के काम भुला जाएंगे। कैसी महिमा है भगवान, भगवान का हमें स्वामी कहते हैं भगवान ये टंकार जो टंकार ध्यान सुधम कह रहे हैं ना, ये टंकार तो टंकार में शुद्ध दृष्टि ध्यान कह रहा है, यहाँ दृष्टि अपने शब्द ध्रुप भाव के अनुसार है, यहाँ दृष्टि अपने ध्रुप के भाव के अनुसार है, वहां जो धर्म ध्यान की अपनी उत्पन्न हो रही है, वहां जो अपने ध्रुप स्वभाव धर्मपायण भाव से एकाकार करने वाली दृष्टि के कारण जो उत्कृष्ट निर्वय परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उन भाव का, उन धर्मधारणों का, उन भाव भावों का, उन ध्रुप कर्म का सारा अस्तित्व तो ज्ञान धारा के तेज के सामने अपने आप लयबद्ध हो जाएगा। इस धर्म ध्यान की अग्नि में कर्म रूपी धन जल जाएगा, धुंध से मिलेगा नहीं। धर्म ध्यान की अग्नि ही इसके सामने कर्म ईंधन सा जल जाता है, खोजने से नहीं मिलता। कहां गया जब कर्म, कहां गया भाव कर्म और कहां गया न कर्म, ढूंढते रहो तो मिलेंगे नहीं कर्म। विश्वास तो करते थे अलकार को लगा अंतर से, अंतर की चेतना ललकार करो कि हाँ वो ठोक तंत्र सत्ता ही है। एक बार जय भगवान के बारे में विश्वास करके देखा, एक बार सतगुरुदेव ने छतरस्त वाणी बार बार कहने जाती है, बार गुरुदेव ने छतरस्त वाणी ने कहा है कि तू छतरस्त भूमिका में स्वीकार कर तो सिद्ध होता है, तो तुझे सत्य की प्राप्ति होगी। यदि तुझे इस छतरस्त भूमिका में पामर जैसा दीनहीन पराधीन यदि ऐसा स्वीकार किया तो फिर तुझे कभी तेरा विकराल स्वभाव मिलने वाला, यही स्वीकार कर तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बोले तो यही भूला रहा तो अनादि काल तक चतुर्थ संसार की यात्रा तो करना पड़ेगा, बता दूंगा बस पूरा करना है आपके सेंटेंस बिल्कुल लास्ट यम का अनादि से मैं अपने हितकारी परम पारिणामी चैतन्य स्वभाव रूप ही परिणमित हो रहा हूँ, और ऐसा देखने की दृष्टि मेरे ही ज्ञान में है। कहाँ से आए, मेरी प्रार्थना से ही, मेरे ज्ञान से ही मेरी ऐसी ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न हुई है, और इसके लिए किसी पर्याय का अवलंबन नहीं लेना पड़ा। ये भी परम सत्य है, तुम क्या ऐसी दृष्टि को अपने अंदर देखते हो जो मात्र अपने अभेद तत्व में जाके बैठी है। कैसी अभेदता है कि मैं अपने हितकारी स्वभाव के अलावा कभी भी बाहर परिणमित नहीं होता होता, मैं अपनी चेतनता से मैं प्रणत होता, मैं अपनी धुप तिखारी शुद्ध चेतना से बाहर प्रणत नहीं होता। ऐसी ही मेरी दृष्टि मेरे अभेद तत्व से एकाकार कर रही है। भैया जहाँ दृष्टि एकाकार हो रही है कैसे अपने अभेद तत्व से, वहां अपने आप ही धर्म ध्यान है।